हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अदरक के बेनिफिट्स यानी कि जिंजर खाने के बेनिफिट्स के बारे में है, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अदरक से तो आप सभी परिचित ही होंगे, यह लगभग हर घर के रसोई में देखने को मिलेगा। यह गुणों से भरपूर एक मसाला है। अदरक दुनिया का सबसे उपयोगी औषधीय गुणों से भरपूर मसाला है। आयुर्वेद में भी अदरक को एक महाऔषधि के रूप में माना गया है और यह 100 से ज़्यादा बीमारियों को दूर करने में असरदार है। अदरक में शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अदरक में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन और विटामिन सहित बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अदरक को ताज़ा और सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है। भारत में अदरक की चाय को लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। अदरक अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत महत्वपूर्ण और अनमोल खाद्य पदार्थ माना जाता है। तो आइए जानते हैं अदरक के बेमिसाल फायदों के बारे में विस्तार से। खांसी जैसी आम समस्या में अदरक बहुत ही लाभदायक है। अदरक के सेवन से गले के दर्द और जलन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही सर्दी में भी यह बहुत फायदेमंद है। अक्सर सर्दी खांसी में लोग अदरक की चाय पीते हैं, या फिर आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को करके आप दूध में उबालकर और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अदरक आपके फेफड़ों से बलगम को ख़त्म करने में भी मदद करता है, जिससे सर्दी और खांसी में बहुत राहत मिलती है। अदरक आपके हृदय के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को भी दूर करता है, जिससे हार्ट अटैक के आशंका जो है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अदरक को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही माइग्रेन से पीड़ित लोगों को अदरक की चाय पीने से माइग्रेन के दर्द में भी काफ़ी राहत यह दिलाता है। अदरक खाने से शरीर में कैंसर को बढ़ाने वाली जो सेल्स होती हैं उसको वह बढ़ने से रोकता है। यह बहुत से कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से निपटने की क्षमता रखता है। इन सब के अलावा अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए आप अदरक के पाउडर को दूध में घोलकर सेवन कर सकते हैं। इससे मासिक धर्म चक्र के शुरुआत में होने वाले दर्द से काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। अदरक की तासीर गर्म होती है, जो अस्थमा की बीमारी में बहुत आराम दिलाता है। तो जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उनको अदरक की चाय पीनी चाहिए या अदरक के पाउडर को दूध में घोलकर नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही अदरक के तेल के उपयोग से बालों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि बालों में रूसी होना, स्कैल्प में खुजली होना, बालों का ग्रोथ ना होना, इन सब समस्याओं को यह काफ़ी हद तक ख़त्म करता है और आपके बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अदरक का उपयोग शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, जोड़ों का दर्द, गठिया में होने वाला दर्द में बहुत राहत देता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। गठिया के दर्द से आराम पाने के लिए आपको गर्म अदरक के पेस्ट को अफेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए। इससे आपको गठिया के दर्द से बहुत राहत मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान होने वाले उबकन या मतली से भी अदरक का उपयोग बहुत फ़ायदेमंद है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप अदरक को बारीक काटकर उसे हल्के से तेल में भून लीजिए और फिर उसमें हल्का सा काला नमक मिलाकर उसका सेवन कीजिए, तो आपको आने वाली उबकन या मतली से काफ़ी आराम मिलेगा। अदरक के उपयोग से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। अदरक के जूस का तय मात्रा में सेवन करने से कब्ज, गैस और पेट की अल्सर जैसी समस्या भी दूर होती है। अदरक पेट संबंधित बीमारियों को दूर करने में
बहुत कारगर है। अदरक आपके सौंदर्य को भी बढ़ाता है। अदरक के जूस के उपयोग से आपके चेहरे से मुहासे, दाग धब्बे और रिंकल्स को कम करने में यह बहुत असरदार है। अदरक के रस के उपयोग से आपका चेहरा हमेशा ग्लोइंग, सुंदर और हेल्दी बना रहेगा। अदरक आपके शरीर के फैट को भी कम करने में बहुत मददगार है। इसके सेवन से शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो आराम से बाहर निकल आते हैं। इसके लिए आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसे पानी में उबाल कर छान लें और नियमित मात्रा में इसका उपयोग करें। इससे आपका वेट काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और जब इम्यून सिस्टम आपके शरीर का यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है तो यह आपको बहुत से बीमारियों से बचाता है। तो यह ठंड और फ्लू से भी आपको बचाता है। इन सब के अलावा अदरक के बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं, पर अगर सही तरीके से इसका सेवन ना किया जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जो लोग गर्म तासीर के हैं उन लोगों को अदरक का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को एलर्जी है अदरक से उन लोगों को भी अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ अदरक से जुड़ी हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।